Hey guys, this is Fatima Jafri and welcome to another vlog. और अभी अभी खबर आई है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब का इंतकाल हो चुका है और सुन के थोड़ा सा दुख हुआ, इसलिए क्योंकि लोगों ने मीम्स बना बना के मार दिया। सीधी सी बात है, कुछ लोगों का कसूर है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि कुछ उन्होंने मार दिया, कुछ जो माशाल्लाह से उनकी अहलियाँ चल रही हैं, मैं सारे स्टेटस वगैरह देख के आई हूँ उनके, कि अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए कि मैं उनकी बेवा हो गई और ये हो गई। मतलब दुख इतना बड़ा है। चलो तुम लोग स्टेटस पे कह रही हो कि जी मेरा उनका क्या नाम है सारा मसला सॉल्व हो रहा था और ये और वो, और उस पर फिर आप ये कह रही हो कि मुझे बेवा करके चले गए। सही है, स्टेटस लगाने का टाइम है आपके पास? मतलब यार इतना दिमाग कहाँ से लाते हैं लोग। और मतलब अगर सॉल्व हो रहा था सब कुछ तो कुछ तो मतलब होगा कि कोई तो अटैचमेंट इतनी सी भी होगी, बंदा जानवर के साथ अटैचमेंट कर लेता है तो फिर इंसान थे। यहाँ कुछ क्लिप्स हैं और कमेंट सेक्शन है जो कि मैं आपको दिखा सकती हूँ कि लोगों ने कितना बुरा हाल बेचारे का किया हुआ था, कि कमेंट्स में मरने तक की सुसाइड तक के आइडियाज़ दे रहे थे उनको। और यही नहीं, मतलब हर तरफ से ना बंदा अगर वो हो जाए, लोगों ने नहीं जीने दिया, मुबारक हो आप लोगों ने मार दिया उनको। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक मुझे पता है कि अभी भी वक्त है, वो तो चले गए, आप लोग जिंदा हैं, तो अगर थोड़ी सी भी इंसानियत हो तो किसी और की ज़िंदगी तबाह करने से पहले थोड़ा सा ये सोच लेगा। इतना बड़ा सबक आप लोगों के लिए सामने है, तो बस अल्लाह हम लोगों को भी माफ़ करे और हम भी माफ़ी मांगते हैं कहीं अगर अपने ब्लॉग में या किसी चीज़ में मीम के तौर पर उनकी कोई वीडियो वगैरह यूज़ की हो, तो अल्लाह ताला हमें भी माफ़ करे। और मैं भी माफ़ी मांगती हूँ कि अल्लाह ताला वो मतलब अब रू है कि वो सुन रहे होंगे कि नहीं, कि अल्लाह ताला बस हम सबको करे। अब हम अपने ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं, स्टे ट्यून्ड। नाश्ते में रखा गया है ये हैदराबादी चिकन का कुछ सालन है और साथ में इसकी चटनी होती है और रोटी। क्या आजकल मैं खाना नहीं पका रही हूँ और मैं मंगवा रही हूँ, बना बना के दे रहे हैं। एक आंटी है उनसे, वो काम करती हैं, यही बहुत अच्छा बनाया उन्होंने माशाल्लाह से। वाह जबरदस्त। ये मेरे खाने की दुश्मन और वो एक नया एडिशन। फ़ायदा भी आपको एक और बात बताऊं, मैं खाला बनने वाली हूँ। गाना बजाओ ये। अरे आग लगा चाहे बस्ती में, ये जितनी मासूम लग रही है ना, ये है नहीं है, इन्होंने हमें खाला बना दिया, सुन रही है आप? तो भाई नाश्ता हो गया, अब ना स्नैक की कुछ वीडियोस हैं जो मुझे कंप्लीट करनी है टास्क वाली, वो करने जा रही हूँ और नींद भी आ रही है, लेकिन नहीं सो रहा आज, तो उठते हैं और चलते हैं। तुम ना इज्जत से तमीज में आ जाओ, ठीक है? क्या क्या इधर देखो, इधर फर्क ही नहीं पड़ता। आग लगे चाहे बस्ती में, मुन मुन रहती मस्ती में। थोड़ा थोड़ा सा हो गया है, राजी का एक लुक के लिए वीडियो बना लिए, अब वो वहीं देखेगा आप स्नैक पर या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स में। अभी फिर हम और काम करके दिखाते हैं आपको। मैं जा रही हूँ अपने कजन को देखने के लिए, इसका ऑपरेशन हुआ है। आप लोग साथ जाएंगे, आपको पता है हर जगह साथ होता है। चलें। अस्सलामुअलैकुम। जख्मी झूल रहा था, मैं उड़ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। सारा सुना मैंने तुम्हारा, कैसे हो? ठीक हो? तुम सब दिखाओ। बेचारा टाके लगे वो नहीं, टाके कोई कहता कि टाके नहीं लगे, चीरा लगा के उन्होंने। जी जी डॉक्टर साहब, ऐसे ही ये इसके एड़ी पे टाके लगे और बड़ी मतलब खतरनाक था इसका ऑपरेशन। बड़ी हिम्मत पकड़ी है मेरे बेटे ने। हाँ भाई,
बता रहे थे सारे। कैसे कर लेते बेटे? ये भी ये सीरियस नहीं थे। हाँ कुछ नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, जब इसको एक तो लेके गए थोड़ी देर के बाद नंबर आ। तो भाई मैं अपने घर आ गई थी और घर आके अब खाने का वक्त है और मेरे बिल्कुल नहीं था घर का खाना खाने का, लेकिन मैंने मंगवाया भी घर का ही खाना बाहर से। तो अभी मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ फिर दिखाती हूँ। मंजरा, ये मेरे घर आई हुई बच्ची, मेहमान आई हुई। तो आज इसीलिए मुझे अपनी ब्लॉग को जल्दी जल्दी एंड करना पड़ेगा। मंजरा बोल दे लाइक करे कमेंट करे। मैं कैसे कर दूँ? आप ही लाइक करे कमेंट करे शेयर करे और सब्सक्राइब करे मेरे यूट्यूब चैनल को। बाय 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 कर दो।